तो जैसा आपके पास क्वेश्चन गिवेन है, एक मैट्रिक्स ए है, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये कहा गया है कि टू टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज सेम एज ए 4 टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम लोग जान लें कि 2a होगा कितना, है ना। a तो ये है, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते हो किसी स्केलर के से, तो जो के होता है उसके हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज, या यहाँ कर लेते हैं, दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, 8, 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल 8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल 32, 8 माइनस 32 आपका माइनस का 24 आ गया, से दैट इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग, या 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। नाउ 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए है क्या आपका, 1 है, 2 एंट्री है, 4 है, 2 है। अब क्या होगा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट कुड बी, या जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करें, वैल्यू निकाल के हम लोग क्या कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी इसकी उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं आप। खैर 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल मतलब 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल 8, ये आ जाएगा माइनस का 6, तो ये आ गया आपका 4 × −6 दैट इज इक्वल टू −24, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका प्रूफ हो गया, है ना। लेकिन जनरल प्रॉपर्टी क्या है, जनरल प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, के टाइम्स मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ए के की पावर एन के इक्वल होता है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे 2x2 था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन 2 है, और के की वैल्यू वैल्यू भी 2 थी। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है।